नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में लगने वाले फंगस और कीट के बारे में। अभी रबी का सीज़न चल रहा है किसान भाइयों, तो जो लास्ट स्टेज है जब बाली निकल रहा है तो उसमें फंगस और कीट दोनों का अटैक होता है। तो किसान भाई, इस फंगस और कीट अटैक होने से पहले कौन से फंगीसाइड और कौन से कीटनाशक का स्प्रे करें तो अच्छी तरीके से रोकथाम हो, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, कौन से फंगीसाइड डालें, कौन से एंटीबायोटिक डालें और कौन से कीटनाशक डालें, तो बिना देरी करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो है फंगीसाइड है किसान भाइयों, बायर कंपनी के नेटियो फंगीसाइड। ये फंगीसाइड किसान भाइयों खासकर धान की फसल में लगने वाला नेक ब्लास्ट जो गर्दन तोड़ होता है उसके लिए बेहतरीन है, और साथ ही जो नोड ब्लास्ट जिसे कमर तोड़ भी कहते हैं, कुछ एरिया में अलग अलग नाम बोलते हैं, इन दोनों फंगस के लिए बेहतरीन रूप से ये काम करता है। और दूसरा प्रोडक्ट है कीटनाशक के रूप में अपना कोराजन, FMC कंपनी का कोराजन। ये कीटनाशक भी बहतरीन रूप से काम करता है, खासकर इल्लियों को नियंत्रण करने के लिए। धान की फसल में क्या इल्ली लगता है? तना छेदक और पत्ता लपेट, तो इसे भी बेहतरीन रूप से ये कंट्रोल कर लेगा। और तीसरा है हमारा एंटीबायोटिक, जो स्पिडोमाइसिन आता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है, ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, झुलसा रोग होता है, उसके लिए ये बेहतरीन है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन किसान भाई कर सकते हैं, और ये तीनों लास्ट स्टेज के फंगीसाइड, कीटनाशक और क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको महंगा ज़रूर पड़ेगा किसान भाइयों, लेकिन लास्ट स्टेज वाला है तो ये बेहतरीन काम भी करता है। अपना जो नेटिवो फंगीसाइड आता है उसका प्राइस की बात करें तो किसान भाइयों, ये करीबन एक एकड़ में 700 रुपये इसका लागत आ जाता है। और अपना दूसरा प्रोडक्ट है कोराजन, कोराजन में कोर एंट्रानिलीप्रोल पाया जाता है, यह भी लास्ट स्टेज का कीटनाशक है, इससे ऊपर लेवल का किसी भी प्रकार का कीटनाशक नहीं आता, और इसका प्राइस वही करीबन 700-800 रुपये ये भी पड़ जाता है किसान भाइयों एक एकड़ में, खर्च जो 60 ml का आता है। कुछ एरिया में इसका प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, और जो स्पिडोमाइसिन बता रहा हूँ मैं, वो करीबन एक एकड़ में 100 रुपये मोटा मोटी ले सकते हैं, 100 रुपये इसका खर्चा आता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन 1500 रुपये आपको पड़ जाएगा, जो कि एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। और ये दोनों प्रोडक्ट किसान भाइयों, अपना बायर कंपनी का नेटियो और FMC कंपनी का कोराजन, ये अपने लेवल का टॉप लेवल का कीटनाशक और फंगीसाइड, इसे डाल दिए तो आपको रिजल्ट बिल्कुल 20 दिन तक आसानी से मिल जाएगा। आपको देखने ही नहीं लगेगा कि तना छेदक लगा या फिर किसी भी प्रकार का फंगस लगा, ये बेहतरीन रिजल्ट है इन दोनों का। और देखिए किसान भाइयों, इतना मेहनत किए अपने धान की फसल में सभी प्रकार के फंगस कीट को शुरू से लास्ट तक बचाने का काम किया, और लास्ट में क्या होता है, भूरा माहू लग जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप चेस डालें या डूबन कंपनी का पेक्सोलॉन डालें, ये दोनों प्रोडक्ट अपने लेवल का बेस्ट है और भूरा माहू को बेहतरीन रूप से कंट्रोल करता है, लेकिन प्राइस इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसे हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। ये तो बात होगी आपकी फंगस कंट्रोल और कीट कंट्रोल के बारे में। अब अगला वीडियो हम आपको जो भूरा माहू है, साला कुत्ता, ये सबसे घटिया है भाई, बहुत घटिया कीट है, खासकर धान की फसल के किसान भाइयों के लिए। मेहनत कर लिए, सभी चीज़ कर लिए, फंगस कीट कंट्रोल कर लिए, जब लास्ट में आता है, धान पकने को आता है, तो ये साला कीट लग के भूरा माहू पूरा फसल को चौपट कर देता है किसान भाई। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई क्या करें, हम आपको अगले वीडियो में डिटेल से जानकारी देंगे।